सेकंड। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द नेक्स्ट थिंग। जैसा कि मैंने आपको पहले ही एमसीक्यू दे चुका हूं बेटा कि एस्कैरियस की मोल्टिंग कहां कहां पे होती है, सो इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द मोनोजेनेटिक लाइफ साइकिल ऑफ एस्कैरियासिस राउंडवर्म। ठीक है बेटा, तो देखिए इसमें सबसे पहले स्टेज वन लार्वल स्टेज होती है बेटा। चलिए इसको ले लेते हैं कि सॉइल में फीसेस के थ्रू वो आ चुका है। अब ये इसका फर्स्ट लार्वल स्टेज होता है, मतलब सॉइल में इसका फर्स्ट लार्वल स्टेज होता है। इसके बाद अगर कंटेमिनेटेड फूड और कंटेमिनेटेड वाटर के थ्रू कहीं से वो चला गया, बच्चे के मुंह में चला गया या किसी के बॉडी में एंटर कर गया वो, तो सबसे पहले वो जाता है बेटा इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में जाने के बाद वो वहां पे परफोरेशन करता है, ब्लड वेसल को रप्चर करके वहां एंटर हो जाता है। इसके बाद as you can see in the diagram, आपको दिखाई देगा बेटा यहाँ पे कि वो इंटेस्टाइन में जाने के बाद सबसे पहले वहां उसकी मोल्टिंग हो रही है, तो सेकेंड स्टेज में वो कन्वर्ट होता है। इसके बाद वो वहां से जाता है बेटा हिपैटिक पोर्टल वेन के थ्रू, जाता है वो लिवर के पास, लिवर से वो जाता है बेटा हार्ट के पास, एंड हार्ट से वो निकल जाता है लंग्स के पास, एंड लंग्स में जाने के बाद उसकी टर्शियरी मोल्टिंग हो रही है। एंड सो आपको आपका जवाब मिल गया होगा। द प्राइमरी मोल्टिंग टेक्स प्लेस इन सॉइल, द सेकेंडरी मोल्टिंग ऑफ एस्कैरियस टेक्स प्लेस इन इंटेस्टाइन, एंड द थर्ड मोल्टिंग टेक्स प्लेस इन लिवर। बट इसकी लाइफ साइकिल को जरूर कंप्लीट करते हैं बेटा। इसके बाद अगर लंग्स में जाने के बाद ये रिवर्स जाता है, मतलब आप बोल सकते हो लंग्स से टुवर्ड्स फैरिंग्स, फैरिंग्स पहुंचता है ट्रकिया के थ्रू बेटा, एंड स्पैरिंग्स के बाद अब ये इन्फेक्शन, ये जो है थर्ड लार्वल स्टेज है बेटा, इससे आप दो चीजें कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा स्पूटम आया तो और आपने इसको स्पिट कर दिया, तो जितने भी एस्कैरियासिस की थर्ड लार्वल स्टेज थी वो तो बाहर चले जाएंगे, आउट चले जाएंगे बॉडी के। बट अगर आपने इसको स्वेलो कर लिया तो स्वेलो करने के बाद फिर से ये आपके इंटेस्टाइन में जाएगी, एंड फिर से ये अपने सेकेंड एंड थर्ड लार्वल स्टेज को प्रोड्यूस कर सकता है, फिर से एग को प्रोड्यूस कर सकता है। सो अगेन एक बार रिवाइज कर लेते हैं बेटा। इसके बाद ये इंटेस्टाइन में पहुंचे, यहाँ पे मेल एंड फीमेल है, फीमेल फिर से अंडे देने वाली है, एंड ये जो अंडे है वो आप ऐसे बोल सकते हो एक टाइम पे एक फीमेल 200,000 अंडे देती है, एंड इसके बाद वो पूरे फीसेस के थ्रू बाहर निकल जाते हैं, वापस सॉइल में चले जाएंगे। ठीक है, 200,000 एग्स आर प्रोड्यूस, ये वापस से सॉइल में चले जाएंगे। अगेन ये एग्स में से प्राइमरी लार्वा स्टेज बनती है, सेकेंडरी लार्वा स्टेज अगेन इंटेस्टाइन में जाती है, एंड थर्ड लार्वा स्टेज अपने को कहां मिलेंगे बेटा, लंग्स में। सो दिस वॉज ऑल अबाउट मोनोजेनेटिक लाइफ साइकिल ऑफ राउंड वर्म्स। ठीक है, एक बार पॉज कर लीजिए वीडियो को एंड इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, सो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। इसमें बेटा प्रीवियसली अपन बहुत सारे डिजीज कवर कर चुके थे, इसमें कंटिन्यू करते हैं बेटा एस्कैरियासिस डिजीज से। ठीक है, अपन हेलमिंथ वाली डिजीज पे आ चुके बेटे, वर्म्स वाली डिजीज, इसमें फ्लैट वर्म्स या राउंड वर्म्स वाली डिजीज आने वाली है। ठीक है, चलिए तो इसमें कंटिन्यू करते हैं बेटा। नाउ इसमें एज यू कैन सी, अगर आपको याद है तो मैंने आपको पढ़ाया था बेटा एनिमल किंगडम में, एनिमल किंगडम में अपन देख चुके थे एस्कैरियासिस, एंड एस्कैरियासिस कौन कॉज करता है, एस्कैरिस ल्यूमरिकॉइड। तो इसमें क्यूटिकल लेयर थी इफ यू रिमेम्बर, तो ये डायग्राम याद है बेटा, फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स। ठीक है, तो यही सारी चीजें ये एक डिजीज कॉज करने वाले, इसी को कंटिन्यू करते हैं बेटा। ठीक है, चलिए तो एक दो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं पहले। ओके, व्हाट इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर दिस एस्कैरियासिस। ठीक है बेटा, तो एस्कैरियासिस के लिए आपको पता है कि राउंड वर्म्स जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, तो इसको अपन बोलेंगे एस्कैरियासिस ल्यूमरिकॉइड। ठीक है, इसका आप डिस्क्रिप्शन देख पा रहे हैं। ओके, तो मुझे एक बात बताइए, मेल एंड फीमेल में से कौन ज्यादा डेंजरस रहेगी। ठीक है, एज यू नो इन केस ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स, फीमेल्स आर लॉन्गर एंड दे आर गोइंग टू गिव 2 lakh eggs per day। ठीक है बेटा, तो 2 lakh egg देती है बेटा ये। ठीक है, चलिए इसके बाद मैं आपको मोनोजेनेटिक लाइफ साइकिल बता चुका हूँ इसमें। ठीक है, तो एक मोनोजेनेटिक लाइफ साइकिल आप इसको देख चुके हैं कि सबसे पहले ये एग जो होते हैं ये सॉइल में होते हैं, सॉइल में ये फर्स्ट लार्वल स्टेज में होते हैं, फर्स्ट लार्वल स्टेज के बाद जब ये इंटेस्टाइन में जाते हैं तब इंटेस्टाइन में इनकी सेकंड लार्वल स्टेज होती है बेटा,
इंटेस्टाइन से जब ये ब्लड वेसल के थ्रू हिपेटिक पोर्टल सिस्टम में जाते हैं तो ये लिवर, लिवर से हार्ट, एंड हार्ट के बाद ये जाते हैं बेटा लंग्स में, एंड लंग्स में इनकी थर्ड लार्वल स्टेज या मोल्टिंग आती है, ठीक है। एंड इसके बाद ये फेरिंग्स के थ्रू अगर अपन स्पूटम को वापस से स्वेलो कर लेंगे तो वापस से इंटेस्टाइन में चला जाएगा। तो क्वेश्चन टू बी आस्क्ड इज, मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन पहले ही दे चुका हूं, द फर्स्ट लार्वल स्टेज इज प्रेजेंट इन द मोल्टिंग टेक्स प्लेस इन सॉइल, सेकेंड इज टेकिंग प्लेस एट इंटेस्टाइन, एंड थर्ड टेक्स प्लेस इन लंग्स, ठीक है बेटा। चलिए इसके बाद मुझे एक बात बताइए कि व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड इन केस ऑफ एस्केरियासिस। एस्केरियासिस में इंक्यूबेशन पीरियड कितना है बेटा, इट इज बिटवीन 4 to 6 weeks, नॉट डेज, बच्चों में होता है क्योंकि एस्केरियासिस के जो अंडे है कंटेमिनेटेड फूड एंड कंटेमिनेटेड वाटर में होते हैं, तो कई कई बार अपने आप बच्चों पे ध्यान नहीं होता है, एंड बिना ध्यान के बच्चे कैसे मिट्टी उठा के अपने मुंह में वगैरह डाल देते हैं, जिसकी वजह से भी इनके बॉडी में कंटेमिनेटेड एस्केरियासिस के एग्स चले जा सकते हैं, लार्वल फॉर्म, फर्स्ट लार्वल फॉर्म जा सकता है, एंड इनके इंटेस्टाइन में जाके फिर वो इन्फेक्टिव फॉर्म हो जाता है, एंड फिर वो डिजीज कॉज करता है, ठीक है। चलिए, नाउ यू विल बी सरप्राइज टू नो कि व्हाट इज द लाइफ साइकिल ऑफ अ एस्केरियासिस वर्म। यू विल बी सरप्राइज टू नो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ एन एस्केरियासिस वर्म, या राइट, ठीक है। चलिए तो लेट्स कंटिन्यू दिस। Now you can see symptoms. What can be the symptoms of this? Symptom क्या होता है बेटा? इसमें होता है abdominal bleeding. Bleeding निकल लेगी क्योंकि ये perforation कर रहा है. Body में intestinal wall में जाके perforation करता है and blood stream में जा रहा है. तो कहीं ना कहीं इसमें intestinal आप ऐसे बोल सकते हो कि bleeding होगी, ठीक है? Anemia हो सकता है blood loss होने की वजह से, intestinal blockage. देखिए intestinal blockage होने के अलावा बहुत सारे एरिया में ब्लॉकेज हो सकता है क्योंकि ये कहीं ना कहीं एरिया को ब्लॉक कर रहा है, तो लंग्स ब्लॉकेज, इंटेस्टिनल ब्लॉकेज, ये मोस्ट कॉमन सिम्टम्स होता है बेटा एस्केरियासिस के, ठीक है। इसके बाद फीवर, कफ विद प्लूरल फ्लूइड, जब वो कफ करेगा तो फ्लूइड निकलेगा, एंड साथ में उसमें अगर आप उसका टेस्ट करवाएंगे तो हो सकता है कि उसमें लार्वा भी मिले, ठीक है बेटा। चलिए, व्हाट इज द इन्वेस्टिगेशन टू बी डन, एक्सरे ऑफ स्टमक, स्टमक ऑफ एक्सरे में अगर आप देखेंगे तो आपको इस तरह का एक एक्सरे दिखाई देगा बेटा जहां पे ब्लॉकेज दिखाई दे रहा है। मोर क्लियर इमेज अगर आप देख पा रहे हैं, एंड बहुत बार आपने सर्जरी की इमेज देखे होंगे कि ड्यूरिंग सर्जरीज वर्म्स के वर्म्स एक साथ निकल रहे हैं, तो राउंड वर्म्स आप देख पा रहे हैं बेटा, यहाँ पे सर्जरी के दौरान बहुत सारे वर्म्स निकले हैं, सो दीज आर डूइंग इंटेस्टिनल ब्लॉकेज, एंड इसको सीवियर केसेस में फिर डेथ भी हो सकती है बेटा, ठीक है। चलिए इसके बाद लेट्स टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ दिस, व्हाट इज द ट्रीटमेंट टू बी गिवन। इसमें बेटा एक सिंपल डोज होता है एल्बेंडाजोल, अगर आप ये मेडिसिन दे देंगे तो यू विल बी फ्री फ्रॉम दिस वर्म्स, ठीक है। चलिए अब कुछ थोड़ी से एक्स्ट्रा पॉइंट बता दूं बेटा मैं आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया था एस्केरियासिस का जो वर्म होता है एंड एस्केरियासिस की जो एग की इन्फेक्टिव पावर होती है बेटा वो 15 साल तक होती है, मतलब अगर इन्फेक्शियस वर्म का अंडा है एंड वो जमीन में है इन्फेक्शियस फॉर्म में आ चुका है तो वो 15 साल तक इन्फेक्शन करने की ताकत रखता है, ठीक है। चलिए इसके बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में बताया गया है कि दिस इज मोस्ट कॉमन डिजीज इन एशिया एंड अफ्रीका, क्योंकि जो अंडर डेवलप कंट्रीज होती है जैसे कि इंडिया भी है, इसमें डिफिकेशन, प्रॉपर सीवेज का सिस्टम नहीं दिया है, तो क्या होता है कि बहुत ज्यादा खुले में शौच करना, एंड फिर ये जो एस्केरियासिस के अंडे है वो सॉइल में मिल जाते हैं एंड इन्फेक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं, जिसकी वजह से भी ये डिजीज आगे बढ़ती है बेटा, ठीक है। चलिए एक और एक पॉइंट याद रखेंगे बेटा इसमें कि इंटेस्टाइन का कौन सा एरिया है जहाँ पे वर्म्स बहुत ज्यादा मिलते हैं, तो दिस द पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन जहाँ पे सबसे ज्यादा मिलता है बेटा वो जुजनम का एरिया होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद मैं आपको बता चुका हूँ बेटा कि मोल्टिंग होती है, 4 times मोल्टिंग होती है, नंबर एक फर्स्ट टाइम जो होती है बेटा वो सॉइल में होती है, सेकेंड टाइम जो होती है वो इंटेस्टाइन में होती है, थर्ड टाइम जो मोल्टिंग होती है वो लंग्स में होती है, एंड फोर्थ टाइम वो जो मोल्टिंग होती है वो वापस से इंटेस्टाइन में भी हो सकती है फिर लंग्स में भी हो सकती है, ठीक है। चलिए दिस वॉज ऑल अबाउट एस्केरियासिस, नाउ लेट्स कम टू एनसीईआरटी, व्हाट्स रिटन इन एनसीईआरटी, ठीक है। तो एनसीईआरटी एज यू कैन सी बेटा एस्केरियासिस इज द कॉमन राउंड वर्म एंड विचेरियल एंड फिलेरियल वर्म, ठीक है। आर सम ऑफ द हेलमिंथ्स, हेलमिंथ्स हेलमिंथ्स मतलब वर्म्स वाली बीमारियां है बेटा इसमें, इसमें फ्लैट वर्म्स आ सकते हैं, फिलेरियल वर्म्स आ सकते हैं, राउंड वर्म आ सकते हैं, विचेरियल है, ठीक है। आर सम ऑफ द हेलमिंथ्स व्हिच आर नोन टू बी पैथोजेनिक टू मैन, ये
इंसानों के लिए बहुत खतरनाक है, पैथोजेनिक है, डिजीज कॉज कर सकते हैं। एस्कैरियस एंड इंटेस्टिनल पैरासाइट कैन कॉज यू एस्कैरियसिस। एज यू कैन सी बेटा, एस्कैरियसिस अपन देख चुके बेटा, एस्कैरियसिस किसकी वजह से होता है? एस्कैरियसिस ल्यूमरिकॉइड की वजह से होता है, इसको राउंड वर्म्स आप बोल सकते हैं, ठीक है। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज? सिम्टम इसमें देखेंगे बेटा, इंटरनल ब्लीडिंग, ठीक है, इंटेस्टिनल ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग होती है, मस्कुलर पेन है, फीवर, एनीमिया, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टिनल पैसेज। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था, इंटेस्टिनल पैसेज में ब्लॉक होता है एंड साइमल्टेनियसली लंग्स में भी ब्लॉक कर सकता है, ठीक है। द एग ऑफ द पैरासाइट आर एक्सट्रेटेड अलॉन्ग विद द फीसेस ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन विच कंटेमिनेट द सॉइल, वाटर, प्लांट्स, ठीक है। ईटीसी, अ हेल्दी पर्सन एक्वायर इन्फेक्शन थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। अब यहाँ पे जो एग होते हैं बेटा वो सॉइल में, वेजिटेबल्स में, और इमेजिन कीजिए कि कंटेमिनेटेड सॉइल है एंड वहां पे कोई तो भी वेजिटेबल उगा है या प्लांट उगा है, अगर उस प्लांट में है तो उसमें भी उसके अंडे रह सकते हैं या लार्वल फॉर्म रह सकते हैं, एंड ऐसा कंटेमिनेटेड फूड, कंटेमिनेटेड वाटर आप इंजेस्ट करेंगे तो आपके बॉडी में भी वो इन्फेक्शियस फॉर्म में आ सकता है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट एस्कैरियसिस। वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद एलिफेंटाइटिस इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।